अजमेर में आयोजित पांचवें लिटरेचर फेस्टिवल में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने पहुंचे फिल्म अभिनेता नसीरुद्दीन शाह को अपने बयान के कारण भारी विरोध झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें कि नसीरुद्दीन शाह ने हाल ही में बयान दिया था कि भारत में डर के जीना पड़ रहा है, अब देश में डर लगता है। इसे नाराज होकर भाजपा युवा मोर्चा और हिंदूवादी संगठन लिटरेचर फेस्टिवल समारोह पर स्थल पर पहुंचे, जहां पर आयोजकों और नसीरुद्दीन शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। साथ ही चेतावनी दी गई कि जिस तरह से नसीरुद्दीन शाह ने देश के विरोध में बयान दिया है, उसका विरोध किया जाएगा। तो वहीं नसीरुद्दीन शाह कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, होटल से वापस जयपुर के लिए रवाना हुए। देश में जिस तरीके से बेईमानों ने पैसा कमाया, शोहरत कमाई, और उसके बाद अब इनको डरने लग गया, और डर भी कैसा कि मेरे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे। अरे लाखों करोड़ों रुपए कमाया, स्टेजों पर अर्धनग्न नाच किए, परिवार के लोगों को उतार दिया, तब इनको डर नहीं लगा। डर कब लग रहा है? जब एक ख्याति आ गई और भारत माता के लिए कुछ उसके समर्पण में कोई कार्य करने की बजाय आज उसकी इज्जत से खेलने पे आ गए। लेकिन इसको ये ध्यान होना चाहिए कि युवा मोर्चा का कोई भी कार्यकर्ता भारत माता का सपूत है, और वो इस तरीके के अनर्गल बयान बिल्कुल सहन नहीं करेगा। और इस तरीके की बयानबाजी अगर होगी तो इस तरीके का किसी भी कार्यक्रम में नसीरुद्दीन शाह जैसे गद्दारों को अजमेर में नहीं।